हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की नवंबर 21 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही हैं। इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग द स्टैचुटरी अपडेट एज रिलीज्ड बाय द आईसीएआई फॉर अपकमिंग नवंबर 21 एग्जामिनेशंस। यहां पर मैं इंटर का स्टैचुटरी अपडेट डिस्कस कर रही हूँ। द सेम अपडेट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। एंड जो एडिशनल पॉइंट्स हैं सीए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, वो मैं और अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो दिस विल बी एप्लीकेबल बोथ फॉर इंटर एंड फाइनल। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हमारे स्टडी मटेरियल हमारे पास अपडेटेड है या नहीं। एंड स्पेसिफिकली फॉर टैक्सेशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी अटेम्प्ट के लिए जो रेलिवेंट एडिशन है वही पढ़ें, बिकॉज फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे चेंजेस और अमेंडमेंट्स आते रहते हैं जिसके कारण कभी कभी बहुत मेजर आपके सॉल्यूशंस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि हमारे लिए कौन सा एडिशन है। सो फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशंस, हर एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली जो एग्जाम से जस्ट 6 मंथ्स पहले तक के सर्कुलर्स होते हैं या नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, वो सारे आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल किए जाते हैं इंस्टीट्यूट द्वारा। उन सबको आपको पढ़ना मैंडेटरी बोल दिया जाता है, ठीक है। सो इफ वी टॉक ऑफ नवंबर 21, वी नीड टू गो 6 मंथ्स बैक। मतलब कि हमारे केस में अगर हम बात करें तो 30th of April, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीना पहले आ गए हम। 30/4/2021 तक जो जो सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन वगैरह इशू हो चुके हैं वो सारे हमें पढ़ने हैं, अलॉन्ग विथ द अक्टूबर 20 एडिशन ऑफ द स्टडी मटेरियल, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें रीड करनी है। स्टडी मटेरियल तो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा ही। इन दिस वीडियो वी आर स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेटिंग और वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ओनली ऑन द स्टैचुटरी अपडेट दैट इज इशूड फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन। एज सच लकीली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है, एंड वो भी चेंज नहीं है बेसिकली, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है उसी में थोड़ा सा एक एडिशन कर दिया है इंस्टीट्यूट ने, मतलब डिपार्टमेंट ने बेसिकली, जो इंस्टीट्यूट ने हम लोगों को बता दिया है। सो लेट अस डिस्कस, छोटा सा ही अपडेट है। हम लोगों ने जब आप लोगों ने प्रिपरेशन करी तब एक बात करी थी कि सैलरी के परक्विजिट कैलकुलेशन में एक छोटा सा चेंज आया था। सेक्शन 17 क्लॉज 2 के सब क्लॉज 7 को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह 7 और 7A, ये दो नए सब क्लॉजेस ऐड करे गए थे, जिसमें आपके इम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टन स्पेसिफिक फंड्स, अभी हम बात करेंगे उस अमेंडमेंट के बारे में, अगर वो 7,50,000 से ज्यादा होता है तो उस एक्सेस के ऊपर टैक्सेबिलिटी होती है, करेक्ट। आप लोगों को प्रोविजन याद आ रहा होगा। आई ऑलवेज से दिस कि कभी भी जब हम अपडेट्स और अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो हमेशा पुरानी चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में उसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो अचानक से हम लिंक नहीं कर पाते कभी कभी। सो हम लोगों ने ये अमेंडमेंट पढ़ा है, सबने पढ़ा है, इवन मे 21 एग्जामिनेशन के लिए जो ऑलरेडी एप्लीकेबल था, कि आपका जो सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 7 था उसे सब्स्टिट्यूट करके 7 और 7A, ये दो क्लॉज सब क्लॉजेस ऐड करे गए थे। और इन दोनों में बात क्या कही गई थी, तो अगर आपका एम्प्लॉयर उन सर्टेन फंड्स में या उन स्कीम्स में 7,50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है तो उस एक्सेस को टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा। प्लस 7A में ये बोला गया था कि इस एक्सेस के ऊपर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड या कोई भी अक्रीशन होगा, आपकी उस एक्सेस के ऊपर जो भी अक्रीशन होगा उसको भी आपके हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर अपडेट दे हैव डिस्क्राइब्ड हाउ टू कैलकुलेट दैट अक्रीशन। मतलब एक्सेस तो हम निकाल सकते हैं, जैसे सपोज हमने बात करी कि 7,50,000 से ज्यादा का एक्सेस होगा तो टैक्सेबल होगा, तो अगर हमारे इम्प्लॉयर ने हमारे बिहाफ पर 9,00,000 रुपए डिपॉजिट करे तो यहाँ पर एक्सेस कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है कि 7,50,000 के ऊपर जितना भी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल अक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड और एक्सेट्रा, उसके लिए रूल 3B में आपको पूरा प्रोसीजर दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है और वो ही हम समझ रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस मैनर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7A) नोटिफिकेशन नंबर 11 डेटेड 5th of March 2021, और ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करा है, ये जो पूरा फॉर्मूला है जो हम अभी बात करेंगे ये दिया गया है आपको रूल 3B में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि हमारा सेक्शन था क्या। तो हमारा सेक्शन बोलता था द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एनपीएस
एंड इन एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इन तीनों की बात हुई है उस पर्टिकुलर प्रोविजन में, बाय द एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ द असेसी टू द एक्सटेंट इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 वुड बी परक्विजिट. कंसिक्वेंटली सेक्शन 17(2)(7)(a) प्रोवाइड्स दैट एनी एनुअल अक्रीशन, क्योंकि आप जब आरपीएफ में पैसे डिपॉजिट करते हो, आप किसी भी स्कीम में पैसे डिपॉजिट करते हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, कुछ ना कुछ अक्रीशन रिसीव होता है. तो जितना आपका टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर जो अक्रीशन है वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा. एनी एनुअल अक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर. बहुत ध्यान से समझना इस चीज को. क्या बोला है उन्होंने कि जितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, अब देखो इस पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला देने की जरूरत क्या थी. जब हम आरपीएफ में या सुपर एनुएशन फंड में या किसी भी जगह पर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है. हम लोगों को डिपार्टमेंट ने ये नहीं बोला है कि आपका सारा का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा. डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि 7.5 लाख से ऊपर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ उतना एक्सेस टैक्सेबल होगा. तो भाई अगर हमारे इम्प्लॉयर ने 9 लाख रुपए जमा करे तो इंटरेस्ट तो जो फंड है मतलब आरपीएफ है वो पूरे 9 लाख पर देगा, जबकि टैक्सेबिलिटी कौन से इंटरेस्ट पोर्शन पर आ रही है, जो 7.5 लाख से ऊपर वाला पोर्शन है, 7.5 लाख से ऊपर जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उतने पोर्शन के इंटरेस्ट पर टैक्सेबिलिटी आ रही है. करेक्ट. प्लस क्या बोला है देखो, इम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर, इन एनी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना. एनी प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ इसी साल के कॉन्ट्रीब्यूशन से मतलब है. सपोज एक एग्जाम्पल लें अगर हम, तो से फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि 2020-21 में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था 8 लाख और 2021-22 में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था 9 लाख. ठीक है, मतलब आपका इन द सेंस आपके एम्प्लॉयर का इन फंड्स में कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां पर भी टैक्सेबिलिटी आई. ये मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो प्रोविजन ही नहीं था. ये फर्स्ट ईयर है जब ये टैक्सेबिलिटी अराइज होगी. प्रीवियस ईयर 2021 इज द फर्स्ट ईयर, उसके पहले तो ये अमेंडमेंट था ही नहीं, मतलब ये प्रोविजन ही नहीं था, पर आगे से तो ये चीज आएगी, हमें आगे से तो ध्यान रखना ही है. तो इधर भी टैक्सेबिलिटी अराइज हुई, इधर भी टैक्सेबिलिटी अराइज हुई, और अब यहाँ पर हमने इस साल का इंटरेस्ट निकाला 9 लाख. जब हम बात करते हैं तो अब ध्यान से समझना, आपका बैलेंस हो चुका होगा 17 लाख. लेट अस से कि ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि वहां एनी प्रीवियस ईयर का क्या लॉजिक है, मैं वो समझा रही हूँ आपको. सपोज आपका बैलेंस हो चुका है 17 लाख, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. अब जब प्रीवियस ईयर 21-22 में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा तो वो पूरे फंड के बैलेंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, है ना. जितना ओपनिंग बैलेंस आया है उस पर भी इस साल इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इस साल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ उस पर भी इस साल इंटरेस्ट मिलेगा. अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो ओपनिंग बैलेंस था, मतलब हमारे केस में जो 8 लाख था, उसमें से 7.5 लाख तक के बैलेंस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो 50,000 का एक्सेस है, उस 50,000 के एक्सेस पर कहीं ना कहीं इस साल भी हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा. वो 50,000 भी कहीं ना कहीं हमारे इस 17 लाख में इंक्लूडेड है. तो इस साल जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे इस साल के एक्सेस पर तो मिलेगा ही मिलेगा, जो मेरे इतने सालों का प्रीवियस ईयर का एक्सेस है उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. करेक्ट. सो सेक्शन का जो लैंग्वेज है वो ध्यान से समझें. क्या बोला है उन्होंने कि आपका जो फंड है, आपका जो आरपीएफ है या एनपीएस है, उनमें अभी तक के जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर्स में से जितना एक्सेस अमाउंट है उस सब के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको इस साल रिसीव हुआ है उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना है. वापस से समझते हैं. देखो मैं शॉर्ट में आपको मतलब प्रॉपर वर्ड टू वर्ड समझाते जाती हूँ. एनी एनुअल अक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. यहाँ पर क्या बोलना है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब जो इस साल मतलब प्रीवियस ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला है, टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ और एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड,
टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर. मतलब आज तारीख तक, मान लो ये प्रोविजन हम 10 साल बाद पढ़ें या 12 साल बाद पढ़ें, तो इतने समय तक जब से ये टैक्सेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुई है उस दिन से लेकर के आज तारीख तक उस व्यक्ति के जो जो सारे फंड्स हैं, whether you talk of RPF, superannuation वगैरह जो भी फंड की बात हो रही है, उन फंड्स के कंट्रीब्यूशन में से जितना पोर्शन टैक्सेबल हुआ है उन पोर्शन, उस टैक्सेबल पोर्शन पर इस साल जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ठीक है, सो हमें सिर्फ इस साल के एक्सेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत इजी बात है. मतलब उसके लिए फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं थी, है ना. अगर हम सिर्फ इस 150,000 की बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इस 150,000 के साथ आज तक जितना जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन हुआ है इन फंड्स में, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी हमें कैलकुलेट करना है. सो द फॉर्मूला इज गिवन इन रूल 3B. अकॉर्डिंगली सीबीडीटी वाइड दिस नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग फॉर्मूला टू कंप्यूट द एनुअल अक्रीशन of any similar nature during the current previous year. Accretion निकालना है इस साल का, लेकिन balance हमको accumulate करना है शुरू से लेके आज तक का जितना जितना taxable portion है to the balance or NPS to the extent it relates to the employer's contribution in excess of 7,50,000. क्योंकि 7.5 लाख तक तो contribution का ही कोई taxability नहीं है, तो interest obviously taxable नहीं होता है. Included in the total income in any previous year. देखा, ध्यान से समझना है आपको मैंने कब any बोला है, कब previous any और कब current previous बोला है. ठीक है, मैं वापस उस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ. यहाँ पर मैंने बोला है any previous year और यहाँ पर मैंने बोला है current previous year. कहाँ पर? During the previous year, ये रहा है ना. ठीक है, चलो. Now let us understand the formula. फॉर्मूला देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन अपन उसको लॉजिकली समझेंगे तो बहुत ही सिंपल चला जाएगा. टीपी बेसिकली मींस द टैक्सेबल परक्विजिट, कि कितना अमाउंट टैक्सेबल है. आपने इस साल आपका जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है अपॉन टू देने का जो बेसिक रीजन है वो ये है कि एग्जैक्टली टाइम पीरियड अगर नहीं भी हमारे पास अवेलेबल है तो हम एक एवरेज पीरियड ले लेते हैं. नॉर्मली ये लॉजिक हम बहुत जगह यूज करते हैं अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में. आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा कि वेन यू आर not 100% sure about the time, you take an average. ठीक है, आप average के हिसाब से निकाल लेते हो. तो upon two कर दिया हमने, एवरेज फिगर ले लिया. तो जितना भी आपका एक्सेस है इस साल का, ठीक है, इस साल आपका जितना एक्सेस है, जो फर्स्ट पार्ट है आपके फॉर्मूले का वो आपका करंट ईयर का एक्सेस डिटरमाइन कर रहा है, करंट ईयर का इंटरेस्ट डिटरमाइन कर रहा है कि इस साल के एक्सेस पे कितना इंटरेस्ट है. ठीक है, वो बेसिक हमारा लॉजिक है. एंड द सेकेंड पार्ट है आपके फॉर्मूले का, वो ये निकाल रहा है कि आज तक जो एक्सेस अक्यूमुलेट हुआ है पिछले इतने सालों में, जो एक्सेस अक्यूमुलेट हुआ है करंट ईयर का छोड़कर, हर साल मान लो 7.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन हुआ तो हर साल का 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख, जितना जितना एक्सेस आपके बैलेंस में जुड़ा हुआ है उस एक्सेस के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा वो. सो फर्स्ट पार्ट डील्स विद द करंट एक्सेस एंड जो पार्ट आपका सेकेंड पार्ट है ऑफ द फॉर्मूला दैट डील्स विद द पास्ट एक्सेस. नाउ देखें फॉर्मूले के टर्मिनोलॉजीज भी समझते चलते हैं. टीपी वन, ये है हमारा टीपी वन. एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2)(7A) और फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020. क्यों? क्योंकि इससे पहले टैक्सेबिलिटी थी ही नहीं. अदर देन करंट प्रीवियस ईयर, मतलब कि आज तक के जितने एक्सेस हैं उन एक्सेस के ऊपर जो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो चुका है. देखो हमने क्या बोला है, टीपी वन. टीपी वन मतलब टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, पिछले इतने सालों में जो जो टैक्सेबल परक्विजिट रहे हैं उनके ऊपर भी तो आप वापस इंटरेस्ट मिला होगा, तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो. प्लस पीसी क्या है, पीसी हमने बात करी कि करंट प्रीवियस ईयर, तो इस साल 2021 हो रहा है, अगले साल यहीं पे 21-22 हो जाएगा प्रीवियस ईयर, फिर 22-23 हो जाएगा, है ना. तो जिस साल के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस साल जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो अमाउंट आपको लिखना है. पीसी वन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टू द स्पेसिफाइड फंड्स और स्कीम्स कमेंसिंग
ऑन और आफ्टर 1st of April 2020 अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर, इस साल के अलावा। अब ये हमारे ईयर में हमारे लिए एक बोनस है, मतलब एक तरीके से कि आप लोगों को एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है तो ये P1 TP1 PC1 वाली चीज है, एक तरीके से इग्नोर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है टैक्सेबिलिटी का। तो अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स के टैक्सेबल अमाउंट है वो तो है ही नहीं, है ना। पिछले पुराने सालों में तो कभी आज तक ऐसा एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल हुआ ही नहीं, लेकिन हाँ जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से कैलकुलेशन होंगे उनमें जरूर ये चीज रिलेवेंट रहा करेगी। सो रेट, नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द रेट, इंटरेस्ट रेट कैसे निकालना है, अगेन वेरी इजी। कितना आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कितना आपको इनकम रिसीव हुआ है उस ड्यूरिंग हैव यू, एंड व्हाट विल यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोला है, अमाउंट और बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ द स्पेसिफाइड फंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर, पर हमारा तो हमारा 2020 1st of April 2020 को जो बैलेंस था प्लस अमाउंट ऑफ एग्रीगेट बैलेंस एज ऑन द 31st of March 2021, मतलब वही अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो क्या बोला है इन्होंने कि आपको दोनों का एवरेज कर लेना है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का एवरेज कर लो। तो इंटरेस्ट का रेट कैसे निकलेगा, सपोज आपको साल भर में 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, छोटे छोटे अमाउंट्स लेके चलते हैं, इस फंड का ओपनिंग बैलेंस था मान लो 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट और सब कुछ जोड़ते हुए क्लोजिंग बैलेंस हो गया 65,000। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द परसेंटेज कि कितने रेट से इंटरेस्ट मिला है, तो 5,000 इंटरेस्ट है अपॉन एवरेज रखना है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का, तो 40,000 प्लस 65,000 अपॉन में 2 × 100, दिस विल गिव यू द एवरेज परसेंटेज। चलो तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको समअप करती हूँ फॉर्मूला, फिर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, नीचे इलस्ट्रेशन दिया है उन्होंने खुद ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम उसी को समझ के देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करंट ईयर का एक्सेस निकाल लेना है, ठीक है। करंट ईयर का जो एक्सेस है, इस साल जो एक्सेस है उसके ऊपर आप रेट लगा दोगे। ये रेट कैसे निकाला हमने, ये हमने समझ लिया एवरेज 8% 9% 10% जो भी हमारे रेट आए, तो ये हिस्सा तो क्लियर है, जो फर्स्ट पार्ट है वो तो क्लियर है कि भैया जितना इस साल का हमारा एक्सेस है, जितना हमारा इस साल का एक्सेस है उस एक्सेस पर आप वो एवरेज रेट लगाकर उतना पोर्शन आपने अलग कर दिया। अब आज के पहले तक, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, ये चीज इस साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है लेकिन अगले सालों से एप्लीकेबल रहेगी, कि आज की तारीख तक जितना जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो प्लस उन एक्सेस कंट्रीब्यूशंस पर आज तक जो टैक्सेबल परक्विजिट हो चुका है, जो पिछले सालों में टैक्सेबल परक्विजिट हो चुका है, इनके ऊपर भी तो इस साल इंटरेस्ट मिला होगा, कंपाउंडिंग हो रही होगी, इनके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला होगा, वो वाला इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द क्वेश्चन। It may be noted that the second part of the formula will be not relevant for this particular examination, this particular assessment year. But ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, हमने बात करी थी। Suppose X Private Limited contributed 850,000 during the previous year 2021, and Mr. A also made an equivalent contribution. तो देखो, हमारे employer ने contribute करा है 850,000, and जो हमारा employee है, employee ने भी कैलकुलेट करा है 850,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो हुआ है हमारे इस साल फंड में वो हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 17 लाख, ठीक है। बोला क्या है कि इम्प्लॉयर ने 7.5 के ऊपर अगर किया तो एक्सेस टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक्सेस कितना आ जाता है 1 लाख, तो ये तो टैक्सेबल है ही 17 × 7 में, ठीक है, यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब हमको निकालना है 17 × 7A कि ये कैसे आएगा, कि कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल है, तो क्या करना है अपने को, इस एक्सेस पोर्शन पर इंटरेस्ट निकालना है कि जो टोटल फंड में इंटरेस्ट मिला है उसमें से इस 1 लाख से कितना रिलेटेड इंटरेस्ट है, इस 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट हमने कमाया है। सो चलो क्या बोला है क्वेश्चन में, बैलेंस इन इज आरपीएफ अकाउंट ऑन 1st of April 2020 वॉज 32 लाख, ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको फंड का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस। अब अभी तक कुछ टैक्सेबिलिटी आई होगी क्या, नहीं है ना, अभी तक कोई टैक्सेबिलिटी आई ही नहीं होगी। क्यों नहीं आई होगी, क्योंकि अभी तक ये प्रोविजन था ही नहीं, तो इस 32 लाख में ऐसा एक्सेस एक्सेस वगैरह कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 3,44,250, अभी तक इस साल जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, लेकिन ये पूरे पूरे फंड का इंटरेस्ट है, तो इस पूरे को टैक्सेबल नहीं करना है हमको, इसमें से हमको निकालना है इस 1 लाख के बराबर का कितना इंटरेस्ट है। The taxable purpose is 72A for the previous year 2021 will be computed in manner as follows.
चलो बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इसको कि हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट। बहुत लॉजिकल, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं, द वेरी सिंपल थिंग कि इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कैसे निकालना है, हमारा इंटरेस्ट और अपॉन एवरेज। तो एवरेज किस चीज का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया होगा, देखो पहले 32 लाख तो ऑलरेडी था ही, इस साल हमने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया और 17 लाख, 8.5 उसने डाले, 8.5 मैंने डाले, प्लस इस पे जो इंटरेस्ट मिला वो भी मेरे बैलेंस में ऐड हो गया होगा, 344,250। सो टोटल मेरा बैलेंस हो चुका होगा क्लोजिंग 52,044,250 अपॉन टू। सो एवरेज फंड का हमें बैलेंस निकाला, तो प्लस 32 लाख डिवाइडेड बाय दो, तो हमारा एवरेज आ रहा है 4,222,125, 42,22,125। इस पर हमें इंटरेस्ट मिला है 344,250 का, 344,250 डिवाइडेड बाय 4,222,125, परसेंटेज 8.15। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है, 8.153 हमारा क्या है, परसेंटेज आ गया ऑफ इंटरेस्ट। अब अपने को क्या निकालना है, एक्सेस पर कितना इंटरेस्ट आएगा। वेरी इजी फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, है ना, क्योंकि इसमें हमारा पिछले सालों का कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी लॉजिक नहीं है। तो क्या करना है, एवरेज ले लेना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7A, 1 लाख का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है अपॉन टू, ऑन एन एवरेज करना है, इसीलिए 0.8153%। प्लस वाला साइड जीरो है, कुछ है ही नहीं, पुराना अक्यूमुलेटेड कुछ नहीं है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 × 0.8153%, 4077, लेट अस राउंड इट ऑफ, हमारा इस साल टैक्सेबल हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको क्लियर हो जाए कि जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली क्या है, मतलब ये पीछे वाला साइड तो काम का ही नहीं है, तो वो समझने के लिए। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल सपोज वापस 8.5-8.5 लाख का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो वो 8.5-8.5 लाख के लिए तो आपका रेगुलर फर्स्ट पार्ट तो चलेगा ही चलेगा कि जितना एक्सेस है उसका हाफ करो और उसके ऊपर, मतलब एवरेज करो और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ। अब आपने अभी तक जितना एक्सेस टैक्सेबल कर लिया है एक्सक्लूडिंग करंट ईयर, तो अगले साल के लिए हमारा अभी तक का एक्सेस कितना हो जाएगा, ये 1 लाख है ना, ये 1 लाख भी अगले साल को जुड़ेगा, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है मतलब 4077, इस पर भी आप इसी रेट से इंटरेस्ट लगाओगे, तो जो अगले साल का एक्सेस रहेगा उसका इंटरेस्ट प्लस ये 1 लाख प्लस ये 4077, इसके ऊपर जो भी आपका एवरेज रेट होगा उससे इंटरेस्ट, ये टोटल। फिर ऐसे ही उसके अगले साल क्या होगा, इस पर तो लगता ही रहेगा प्लस एड होता चला जाएगा और करंट ईयर। तो बेसिकली इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि जो करंट ईयर का अमाउंट है उसके ऊपर तो आपको देना ही है टैक्स, उसके साथ साथ आपके जो आज तक के अक्यूमुलेटेड बैलेंसेस चलते रहेंगे उसके दो पोर्शंस करे उन्होंने, कि जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो प्लस जो अभी तक का टैक्सेबल परक्विजिट है वो, उन दोनों को प्लस करके उसके ऊपर भी आपको परक्विजिट निकालना है। बट अगेन अभी अपने को इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे केस में वैसा एप्लीकेबल नहीं है। इन केस क्वेश्चन में वो लोग आगे का पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, तो हमें पता होना चाहिए, है ना। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद एक और एडिशनल पॉइंट उन्होंने बोला, सो हमने देख लेते हैं 4077 परफेक्ट सही आ रहा है हमारा, है ना। अब उसमें कैलकुलेशन भी उन्होंने शो कर दिया है पूरा, हमने समझ ही लिया, देखो हमारा एवरेज वगैरह सब परफेक्ट है ना। नाउ लास्ट पॉइंट एक दिया है, लेट अस रीड दैट नोट, वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ TP1, TP1 मतलब आज तक का सारा टैक्सेबल परक्विजिट, एंड TC1 मतलब आज तक का सारा एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, exceeds the amount or aggregate of amounts of the balance to the credit of the specified fund on the first day, मतलब जो total अभी तक का है वो अगर opening balance से ज्यादा है of the current previous year, then the amount in excess of the amount or aggregate of amounts of the said balance shall be ignored for the purpose of computing the amount of aggregate of TP1 and TC1, जो excess रहेगा उसे ignore कर दिया जाएगा, ठीक है। So this is a note given in respect to this particular notification. लास्टली आपका जो आधार कार्ड लिंकिंग से रिलेटेड प्रोविजन है उसमें एक चेंज है, सो दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट बट हमें हमारे लिए रेलेवेंट है। द लास्ट डेट फॉर इंटीमेटिंग आधार नंबर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ लिंकिंग आधार विद पैन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 मार्च टू 30 जून, ये भी हमें ध्यान रखना है। सो इनकेस अगर हमें कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है तो डेट इज अगेन बीन एक्सटेंडेड। सो दिस इज द ओनली चेंज, अगेन आई विल नॉट से दिस इज अ चेंज, दिस इज अ
फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द एक्सेस जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया है डिपार्टमेंट ने अंडर रूल 3B, जिसके थ्रू आपको एक्सेस कैलकुलेट करना है. एंड एज आई ऑलवेज से इन ऑल माय लेक्चर्स कि जब भी कोई चेंज आता है, जब भी कोई अपडेट आता है, जब भी कोई नई चीज लाई जाती है, उसको क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, केस सिनेरियो में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको सैलरी का पोर्शन डालकर इसके ऊपर क्वेश्चन वो लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, एंड अलग से सब्जेक्टिव में तो आ ही सकता है. सो डू रीड इट. आप भी आपकी तरफ से इसको गो थ्रू करके देखिए, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस टॉपिक फील फ्री टू कॉन्टेक्ट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस.